पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के चेयरमैन इमरान खान ने इंतखाबात की तारीख देने के लिए हुकूमत को आखिरी मोहलत दे दी। उन्होंने कहा कि मैं हुकूमत को चंद दिन का वक्त दे रहा हूं, जिसके बाद मार्च का ऐलान कर दूंगा। ये लॉन्ग मार्च अक्टूबर से आगे नहीं जाएगी। उन्होंने कहा मौजूदा हुक्मरानों की वजह से इस वक्त मुल्क दिवालिया होने जा रहा है, जिसका एक ही हल है शफाफ इलेक्शन, क्योंकि जब तक सियासी इस्तेकाम नहीं होगा मुआशरत ठीक नहीं होगी। उन्होंने मजीद कहा कि मेरी लॉन्ग मार्च की तैयारियां मुकम्मल है। इस वक्त इतनी आवाम सड़कों पर निकलेगी जो पाकिस्तान की तारीख में कभी भी नहीं निकली। इससे बेहतर है कि मुल्क को दिवालिया होने की तरफ मत लेकर जाए, क्योंकि अगर आवाम सड़कों पर निकल आए तो उसका क्या नतीजा निकलेगा, उसके बारे में कुछ नहीं कहा जा सकता। उन्होंने मजीद कहा कि नवाज शरीफ इस वक्त इलेक्शन से डरा हुआ है, कि उसको डर है कि सारी जमातें मिलकर भी हार गईं तो क्या होगा, इसलिए वो इस मामले को लटका रहा है ताकि तहरीक इंसाफ की शोहरत में कमी आ सके।